मेरे प्यारे बच्चों, आज हम फोर्थ क्लास का सेकंड चैप्टर करा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई। आज हम हिंदी में बोलते हैं गुना। आज हम आपको गुना सिखा रहे हैं कि किस संख्या से कैसे मल्टीप्लाई की जाती है, किस तरह होता है। तो पहले हम इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताएंगे, खाली स्थान बताएंगे। तो इसकी एक्सरसाइज जो है पहली, वो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान पूर्वक देखें इस वीडियो को। तो हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कि जो इसमें खाली स्थान है, जैसे फर्स्ट में ये है, ये तो ये हमें भरने हैं, कंप्लीट करने हैं। तो हम इसमें देखेंगे, देखते हैं कैसे होता है। ये देखो, हमें ए पार्ट दिया हुआ है और ए पार्ट में हमारा 15 मल्टीप्लाई 1, वो कह रहा है कि बराबर, बराबर में क्या आएगा। तो 15 मल्टीप्लाई 1 बराबर में क्या आएगा, तो जब हम 15 की मल्टीप्लाई, आपने थर्ड क्लास में पढ़ा होगा मल्टीप्लाई, सेकेंड में पढ़ा होगा, तो जब आप किसी नंबर्स की, डिजिट्स की मल्टीप्लाई 1 से करते हो, तो उसमें वो स्वयं वही नंबर आता है। जैसे अब आप यहीं के ही मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे कि 5 1 = 5 और 1 1 = 1, तो इसमें क्या आएगा, 15। इस तरह इसका आपको 20 अंश दिया हुआ है। बी में आप क्या करोगे, यहां पे आपका 4 मल्टीप्लाई, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 5 और आंसर आ रहा है 0। अगर जो हम 4 और मल्टीप्लाई 5 की करेंगे तो 4 5 = 20 होता है, जबकि बराबर माना चाहिए 0। तो हम इसमें सोच के एक संख्या लिखते हैं, तो ऐसी संख्या सोचते हैं कि जो 0 आ जाए। ऐसी संख्या तो 0 ही है, ऐसी संख्या तो 0 ही है। 0 एक ऐसी संख्या है, 0 एक ऐसा नंबर है, 0 एक ऐसा डिजिट है जो कितनी भी बड़ी संख्या से मल्टीप्लाई कर दे, कितनी भी बड़ी संख्या से उसकी मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वह उसको भी 0 कर देता है। तो इसलिए हम यहाँ पर 0 रखेंगे। जब 4 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0, और जब 0 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो इसको 5 को भी 0 ही कर देगा। तो आंसर बराबर में क्या आएगा, 0। इसी तरह आपको यहाँ नंबर समान थोड़ा मिस्टेक होगी, यहाँ नंबर ये सी है। इसी तरह हम पार्ट सी में देखेंगे, 227 मल्टीप्लाई, फिल इन द ब्लैंक्स 27। तो एक ऐसा नंबर्स देखना है, एक ऐसा डिजिट्स देखना है हमें जो 27 के साथ मल्टीप्लाई कर 27 ही आ जा। तो थोड़ा सा ऊपर ध्यान दो, हमने 15 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 15 ही आ गया, तो 27 के साथ जब हम 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 ही आएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका 1, क्योंकि 27 की जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 ही आएगा बच्चों। तो इसी तरह हम आपको डी पार्ट में ले जाते हैं। डी पार्ट में क्या है, इसमें इन्होंने क्या किया, पहले फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई 1 दे दी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये थोड़ा इस सवाल का, इन दो सवालों का, इन दोनों पार्ट का, क्वेश्चनों का उल्टा हो रहा है। उल्टा कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 27 था, 1 नहीं था, इसलिए हमने 1 से मल्टीप्लाई करी तो 27 आ गया। यहाँ पे 1 ही दे रखा है तो हम किससे करेंगे इसकी मल्टीप्लाई, 16 की। तो 16 की मल्टीप्लाई अगर जो 1 में करोगे तो 16 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, 16 जब 16 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 16 ही आएगा। इसी तरह आपको आगे सम दिया हुआ है, ई पार्ट में क्या दिया है, 1 मल्टीप्लाई फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू 1। मेरे प्यारे बच्चों, एक वन ऐसा नंबर है, एक वन ऐसा डिजिट्स है, अगर जो 1 की मल्टीप्लाई 1 से आप 1000 बार भी करोगे ना, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई, तो इसमें 1 ही आएगा लास्ट में, चाहे आप पूरी कॉपी पूरा रजिस्टर भर दियो, अगर जो 1 की मल्टीप्लाई 1 से ही करोगे तो 1 ही आएगा। क्योंकि आपको अगर जो मैं एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर अगर जो आपको समझाऊं, जैसे 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 1 1 = 1 1 = 1 1 = 1 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 =
तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ अगर जो आप वन के साथ मल्टीप्लाई वन से करोगे तो आपका वन ही आएगा। इसी तरह आपको क्या है एफ एफ और में क्या है जीरो मल्टीप्लाई जीरो, अगर जो जीरो की मल्टीप्लाई जीरो से करोगे तो इसमें भी आपका जीरो ही आएगा। इसी तरह आपको जी में दिया हुआ है जी सवाल में, जी पार्ट में आपको दिया है 14, 14 की मल्टीप्लाई जीरो से करोगे। हमने अभी पिछले सवाल में बताया है, बी सवाल में बताया है कि अगर चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो अगर जो उसकी मल्टीप्लाई जीरो से कर दी जाए तो वह संख्या भी जीरो ही होती है, उसका आंसर भी जीरो ही आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 14 की जब मल्टीप्लाई आप जीरो से करोगे तो आपका जीरो ही आएगा। एच एच सवाल में आपको क्या दिया हुआ है 3 × 4 × 2 बराबर, इधर बहुत साइड में क्या सामने वाली साइड में क्या दिया हुआ है 2 × 3 × फिल इन द ब्लैंक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों इन ऐसे सवालों में ये समान सवाल होते हैं, ये दोनों बराबर से दोनों साइड बराबर पार्ट किए जाते हैं इनके। तो इन सवालों में क्या होगा बच्चों हमें ये देखना पड़ेगा कि बराबर से इधर क्या है और क्या नहीं है। देखो यहाँ पे 3 है 4 है 2 है और यहाँ पे 2 है 3 है, 4 तो है ही नहीं तो इसलिए इसमें 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद आप समझ पाते हैं आई पे, आई पार्ट में क्या होया 1 की मल्टीप्लाई कर रखी 33 से। हमने अभी आपको क्या बताया था, हमने आपको ए में बी में सी में ई में ए में सी में ई में यही बताया है 1 की मल्टीप्लाई जब हम किसी संख्या की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो वह स्वयं वो ही संख्या आ जाती है जीरो को छोड़कर। अगर जो 1 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। तो इसीलिए आप अगर जब 33 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आपका आएगा 33, वही संख्या आ जाती है। उसके बाद सवाल नंबर जे आई पार्ट नंबर जे 16 × फिल इन द ब्लैंक्स 0, आंसर तो 0 आ रहा है और 16 है। तो हमने आपको पहले भी बताया था अगर जो आप कितनी भी बड़ी संख्या हो अगर जो उसकी मल्टीप्लाई 0 से कर दोगे तो 0 ही आएगा। तो इसी तरह यहाँ से 16 है, अगर जब 16 की मल्टीप्लाई आप 0 से करोगे तो बराबर 0 ही आएगा, इसका मतलब इसके फिल इन द ब्लैंक्स में 0 आएगा। अभी देखो के पार्ट में क्या दिया हुआ है 15 × 8 बराबर इक्वल 8 × फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमने अभी ये सवाल समानता वाला सवाल बताया है हमने। तो बच्चों इसमें भी आपका 15 ही आएगा क्योंकि आपका इधर 15 × 8 है और इधर 8 × 15। अगर जब इसकी मल्टीप्लाई भी करोगे तो 15 × 8 = 120 और 15 × 8 = 120। और इसके बाद एल सवाल में दिया हुआ है 6 × 5 = 9 × 6 × तो इसमें ये देखना है इधर क्या है और इधर क्या नहीं। देखो इसमें इधर 6 और 5 है और इधर 9 और 6 है, तो 6 तो दोनों में पर यहाँ पे आपका 9 ही, तो 9 हो गया। अब आपका यहाँ 6 भी होगा 5 भी होगा 9 भी होगा और इधर आपका 9 है 6 है 5 नहीं है तो यहाँ 5 आ जाएगा इक्वल। तो बच्चे ये एक्सरसाइज यहाँ पे समाप्त हुई। मेरे प्यारे बच्चों ये हम एक्सरसाइज करा रहे हैं आपको एक्सरसाइज 2.2, जो पहले एक्सरसाइज थी वो आपकी 2.1 थी, ये एक्सरसाइज है 2.2। फाइंड द प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा, ये बताना है कि मल्टीप्लाई करके इनका आंसर क्या आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल आपको 15 सम्स दिए हुए हैं, इन 15 सम्स को आपको अपनी नोटबुक में करना है। मैं इनके 2 पार्ट आपको समझा रहा हूँ जिससे आप इन्हें अच्छी तरह कर ले बैठ के, जिससे आपकी समझ में आ जाए, जिससे आप जो आप मतलब कि जो मिस्टेक होगी आपके दिमाग में या आप में जो कुछ कमी होगी थोड़ी बहुत ही वो यहाँ पे निकल जाएगी अगर जो ध्यान से देखोगे। तो कुछ बच्चे मल्टीप्लाई भूल जाते हैं तो इसलिए मैं उसी पर्पज को देखते हुए यहाँ पर आपको 2 सम्स
सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों का उत्तर ध्यान से देखो, हमें दिखाया है 1 10 100 1000, 1 10 100 1000 ये दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया है, 1 3 3 3, ज्यादातर एक जैसी संख्या दी हुई है। मल्टीप्लाई कैसे करनी है, 4। तो अब देखो, 1 डिजिट मल्टीप्लाई है, इससे अगले एक्सरसाइज में आपको डबल डिजिट मल्टीप्लाई बताई जाएगी, तो अभी फिलहाल इस पर फोकस करें। 4 की मल्टीप्लाई 3 में पड़ेंगे, 4 3 12, 12 का आपका आएगा 2 और आपका कैरी लगेगा 1। अब 4 का फिर 4 3 12 1 30, कैरी फिर 1 लगा, 4 3 12 1 30, कैरी आपका फिर 1 लगा, और 4 1 4 और 1 4 1 4 और 1 कैरी 5। इसी तरह आपको ये समझ करा रहे हैं। तो इसे हम 1 10 1000 के हिसाब से कराएंगे, तो इसी तरह हम 1 10 100 1000, तो 1 10 100 1000, तो इसमें क्या है, अभी हमें क्या दिया है, 6 9 5 6 मल्टीप्लाई आपकी 3। तो ध्यान से देखें बच्चे, ज्यादा ध्यान से देखें। तो बच्चों को ये कैसे करना होगा, हमेशा हमने आपको पहले भी बताया था, चाहे ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो या मल्टीपल हो, मल्टीप्लाई आपको हमेशा इन सवालों में शुरुआत पीछे से ही करनी पड़ती है। कुछ छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है, वो आगे से जोड़ना घटाना या मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, उससे आंसर हमेशा गलत आता है। तो अगर ध्यान से देखें, हम जैसे पीछे देखो, पीछे 6 है, पीछे का मतलब ये है कि 1 यहाँ से शुरू होता है, 1 10 100 1000। तो देखे जरा, 3 का टेबल हम 8 में पढ़ेंगे, 3 का टेबल हम 6 में पढ़ेंगे, तो 3 6 80 कैरी आपका फिर 1 लगा, 3 का टेबल हम 9 में पढ़ेंगे, 3 9 27 और 1 28 आपका कैरी फिर 2 लग गया, 3 का टेबल हम 10 में पढ़ेंगे 5 में, 3 5 15 15 17 17 का 7 कैरी आपका 1 लगा, 3 का टेबल फिर आप 6 में पढ़ोगे, 3 6 आपने अभी पढ़ा 18 18 और 1 9। बहुत इजी सवाल है, कोई ज्यादा इतना हार्ड नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन्हें आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 है, इसमें हमने वही फाइंड द प्रोडक्शन प्रोडक्ट ऑफ द प्रोड्यूस, इसमें क्या करना है आपको, इसमें डबल डिजिट्स मल्टीप्लाई है, और फोर्थ क्लास के बच्चों के लिए डबल डिजिट्स मल्टीप्लाई इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट थी, और थर्ड क्लास में भी थी, तो ये हिसाब से रिवाइज हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसे ध्यान से देखें, जो बच्चे थर्ड क्लास में नहीं सीख पाए, वो फोर्थ में सीखने का उन्हें पूरा पूरा मौका दिया जा रहा है, पूरा पूरा बताया जा रहा है, हम जैसे भी कर रहे हैं आपको सिखाने का अच्छे से अच्छे प्रयास कर रहे हैं। तो हमने इसमें से थोड़ा हार्ड सा सवाल ले लिया डी, तो डी पार्ट को हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखें, डी पार्ट एग्जाम्पल डी पार्ट, तो हम क्या करेंगे, 7 का टेबल 6 में पढ़ेंगे, सॉरी हम 7 का टेबल 9 में पढ़ेंगे, वो मेरे पे 6 बोलेगा, तो हम 6 जो 7 का टेबल है वो 9 में पढ़ेंगे, तो 7 9 जा आपके होते हैं 63, 7 9 जा 63, या मेरे प्यारे बच्चों चलो मैं आपको एक और अच्छा सा आसान सा तरीका, मैं तो डायरेक्ट पढ़ दिया, जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, वो दमदम पढ़ देते हैं बड़े बड़े, तो मेरा आपको सिखाने का मेन पर्पज ये है, ये कितना है आपका 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेबल का आएगा 7 का, तो 7 1 7 2 14 7 3 21 7 4 28 7 5 35 7 6 49 7 8 56 और 7 9 63, तो 63 तो 63 का आपका आएगा 6, आपका जो कैरी लगा वो लगा आपका 6।
तो जब सेवन का पैड आप जीरो पड़ेंगे टेबल तो सेवन जीरो जीरो, तो इसलिए सिक्स का सिक्स आएगा। इसी तरह आप सेवन का पार्ट ऐसे पढ़ेंगे, सेवन का टेबल इसमें पढ़ेंगे फाइव में, तो सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, आप टेबल ऐसे लाइन में पढ़ सकते हो सेवन फाइव जा थर्टी फाइव। तो बच्चों हमने एक एक डिजिट्स की सबके साथ मल्टीप्लाई कर दी है, अब हमें क्या करना है, अब क्या करना होता है मल्टीप्लाई के नियम के अनुसार, रूल्स के अनुसार मल्टीप्लाई के, हमें अब जब दूसरे डिजिट्स की या सेकंड डिजिट्स की हम मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड डिजिट्स की मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें एक डिजिट्स के नीचे मल्टीप्लाई सिंबल लगाना होता है। तो फाइव का टेबल हम नाइन में पढ़ेंगे, फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव, फोर्टी फाइव का हमारा आ जाएगा फाइव, कैरी आपका लगा कितना फोर, अब फाइव का टेबल आप इसमें पढ़ोगे तो फाइव जीरो जीरो, तो फोर का फोर, फाइव का टेबल आपका एक पढ़ोगे फाइव में फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव। तो अब क्या करोगे आप, अब आप इसे जो आपने मल्टीप्लाई करी फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन इसको ऐड कर दोगे तो थ्री का थ्री, सिक्स और फाइव अलेवन का वन, कैरी आपका वन लगा, फाइव का फोर नाइन और वन, टेन का जीरो फिर कैरी वन लगा, थ्री और फाइव एट और वन नाइन, और फोर का ये आपका आंसर। अब आपको हमने बताया कि हमें अपने डी पार्ट में से क्या एक्सरसाइज में था, अब हम आपको के पार्ट सिखाएंगे, ये जीरो वाले हैं, इन बच्चों को अंदर ज्यादा से ज्यादा आने चाहिए। तो आपको क्या दिया हुआ है इसमें थ्री टू फाइव, और मल्टीपल में आपको दिया है जीरो जीरो वन, मतलब ये हंड्रेड से मल्टीपल करनी है, तो इसमें आप थ्री डिजिट्स है थ्री डिजिट्स बार ही मल्टीप्लाई करनी है। तो ध्यान से देखिए फाइव जीरो जी नहीं सॉरी जीरो फाइव जा जीरो, जीरो टू जा जीरो, जीरो थ्री जा जीरो मल्टीप्लाई जीरो फाइव जा नहीं जीरो फाइव जा हाँ जीरो, जीरो टू जा जीरो, जीरो थ्री जा जीरो मल्टीप्लाई, वन से करेंगे वन फाइव जा फाइव, वन टू जा टू, वन थ्री जा थ्री, अब इसको ऐड करो जीरो का जीरो, जीरो का जीरो फाइव, टू का टू और थ्री का थ्री, इसका आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज आप स्वयं करोगे, और इसका ये मल्टीप्लिकेशन चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम अगली वीडियो जो डालेंगे वो डालेंगे डिवाइड की, तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें आप मल्टीपल सीखने का बहुत अच्छी तरह प्रयास करो। धन्यवाद।